इस लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पे लाखों लोग फंसे हुए थे, आप मान नहीं सकते, लिटरली लाखों लोग। तो चाय पीने और रोटी खाने के बाद हम लोग, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वेट वेट, तो अभी हम कर रहे हैं गाड़ी का इंतज़ार। आप देखो ये गाड़ियों वाला अड्डा है, यहाँ पे हम कर रहे हैं गाड़ी का इंतज़ार। तो थोड़ी सी दूर के बाद यहाँ पे 17 या 18 किलोमीटर के बाद लैंडस्लाइड हुई है, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं पस्सी गिर चुकी है। तो उस वजह से हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, छोटी गाड़ी जा रही है पर आगे जाके रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या बनता है, गाड़ी का इंतज़ार और आपको पीछे का व्यू देता हूँ इसी के साथ, कितना सुंदर दिख रहा है आप देखो, क्योंकि ये बिल्कुल डाउन में जगह है और आगे पीछे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं। ये देखो पुलिस वाले टर्न कर रहे हैं सारी गाड़ियाँ। अभी टाइम हुआ है 11:51 सुबह के और अभी भी जाने नहीं दे रहे हैं, स्टिल वेटिंग। अब देखते हैं कब तक वेट करना है, स्टिल वेटिंग ही चल रहा है अभी, फिर आपको थोड़ी देर बाद अपडेट देते हैं कि क्या बनता है। मैं अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम सुमो में बैठा हुआ हूँ, जो पुरानी वाली सुमो थी, टाटा सुमो जिसको बोलते थे। ये लिटरली बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी होती है, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया इसमें, तो पहली बार मुझे मौका मिला। और बनिहाल से इस रूट पे बहुत ज़्यादा सुमोज चलती हैं, तो अगर आप आ रहे हो और ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ सुमो प्रेफर करना, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है यार ये। ये लो पीछे लगा है सारा जाम और कुछ किलोमीटर के बाद रोक दिया गया और कुछ सफ़र करने के बाद जाम लगने के कारण ना किसी को आगे दाने दिया जा रहा है, गाड़ी उधर ही रुक गई। ये रहे हमारे साथ ही आगे जितने भी जा रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा पैदल, कुछ एडवेंचर हो रहा है। सॉरी कि मुझे उधर देखना पड़ रहा है साथ साथ में, क्योंकि नज़र हटना, दुर्घटना घटना, ये सब हो सकता है। और नीचे का व्यू इतना ब्यूटीफुल है, हमें काफ़ी दूर जाना है। इसी के साथ मिलते हैं आपको आगे चलते चलते। ओ रास्ते में मिला डॉगी। इस टाइम पे ये जो इतना सा कुत्ता है, इसने जो अडल्ट डॉग्स होते हैं, ये जो भाग के गया, मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाया, इसने अडल्ट डॉग्स को भगा दिया। और ये जो आप अभी एरिया देख रहे हो, ये है खतरनाक, जो जहाँ पे स्नो पेल्टिंग होती है खतरनाक वाली, ये वो वाला एरिया है। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था ये रास्ता, दूर तक सिर्फ ट्रक्स ही ट्रक्स है। तो अभी कितना पैदल जाना है कोई पता नहीं। और अभी वहाँ दूर तक आपको जहाँ गाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ तक अभी जाना है पैदल। यहाँ से रामबन 17 किलोमीटर है और अभी पता नहीं कितना पैदल चलना है। ये रहा शानदार सा व्यू, पर ये काफ़ी एडवेंचरस हो चुका है। और ये जिसको खूनी नाला बोलते थे, ये है, आज तक अभी यहाँ पे रुकने नहीं दिया किसी ने, इसको बोलते हैं खूनी नाला, क्योंकि ऊपर से बड़े बड़े स्टोन्स आते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ भी हो चुकी है। ये कुछ इस तरह दिखता है, बड़ी बड़ी सी, ये पता नहीं क्या करती हैं। पर इस ट्रेजिडी के दिन भी जो लोग श्रीनगर या कश्मीर जिस रूट से भी जा रहे हैं, जो फंसे थे, इंडियन आर्मी उस दिन भी इन लोगों को सबको सर्व कर रही थी रोटी। तो ये दो दिन तक टोटल सीज हो गया थे जगह, यहाँ पे खाने पीने का कुछ नहीं था, तो सिर्फ इंडियन आर्मी की वजह से ही ये सब लोग खा रहे थे। 4 किलोमीटर रह गया और ज्यादा नहीं करनी। ये रहे हमारी टीम के लोग, गुआच गए थे बड़ी देर से, अब वापिस मिल गए हैं। तो अभी वहाँ से जाना था तो शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये रहा शॉर्टकट। ओहो काफ़ी ढलान है, और जो मेरा पीछे से पिकअप लिया था वो काम आया एक ही बार में सीधे ऊपर। तो ये रहा वो एग्जैक्ट स्पॉट यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई हुई है और रोड बिल्कुल गायब ही हो गया हुआ है, जैसा आपको अभी दिख रहा है। ये मिट्टी प्लेन ऐसे ढलान में सिर्फ यही दिख रही थी और लिटरली 3-4 क्रेने लगी हुई थी, पर ये 2 दिन से फंसे हुए थे लोग यहाँ पे ही। तो जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई हुई थी वहाँ पे लोगों ने अलग अलग तरह के रास्ते ढूंढे हैं, कुछ लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ नीचे उतर रहे हैं पूरा, कुछ लोग बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम पहाड़ नीचे उतरते हैं, तो जैसा अभी हम दिख रहा है आपको वो तो आगे आगे आपको अपडेट देते हैं कि हम जम्मू पहुँचेंगे यहाँ, लगता तो है पहुँच जाएंगे।
उसी को देख रहा हूँ कहाँ गिरूंगा। इस टाइम किसी को कोई पता नहीं है, सब एक दूसरे को भेड़ बकरियों की तरह फॉलो कर रहे हैं। कोई पता नहीं है कि आगे जाके रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा। और इतने श्रीनगर के बुजुर्ग लोग मैंने देखे थे पहली बार, इतने इतने बुजुर्ग लोग, बहुत ही हार्ड चढ़ाई थी यार, बहुत ज्यादा। फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है, काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग फंसे हैं, तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है ब्लॉकेज। तो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ हज़ारों में लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी सर्दियाँ चल रही हैं, पसीना आता नहीं है, और आपको अभी दिख रहा होगा सिर पे पसीना भी है, तो आप समझ सकते हैं। अब टांगे भी जवाब दे रही हैं। अभी एक लड़के की मदद कर रहा था, बहुत हैवी बैग था उनका। ये रहा जो आपको व्यू दिख रहा है जब मैं ऊपर था, तो ये बिल्कुल बॉटम में जब हम पहुंच के थे ढलान उतर के, तो ये नीचे से आपको व्यू दिखा रहा हूं मैं पूरा, मतलब आप बता ही नहीं सकते कि ऊपर रोड है या नहीं है, पूरा का पूरा रोड ही नीचे आ गया पहाड़ के साथ। और जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं ना, ये मतलब यहाँ पे कभी कभी जब पानी आता है तो मतलब ये चिनाब वाला एरिया ये पूरा फुल होता होगा, क्योंकि ये वो एरिया है, इसको हमारे यहाँ पे खड्ड भी बोलते हैं, पर साइड पे बिल्कुल पानी था, तो ये लिटरली पूरा का पूरा फुल था। और यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा था कहाँ से चढ़ें, मतलब एक तरह से बंदा डर जाता है ना जैसे। और जो आप अभी व्यू देख रहे हो, उस टाइम मतलब बड़ी बुरी हालत थी, तो मैं कैमरा में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इतने ज़्यादा ओल्ड एज 80 की एज वाले लोग थे, जो मैं मान ही नहीं सकता, इतना मुश्किल पहाड़, बिल्कुल स्ट्रेट ना, बिल्कुल चढ़ाई चढ़नी है, मतलब वहाँ पे बड़े बड़े भी उतर रहे हैं नीचे, वहाँ पे भी लिटरली बुजुर्ग लोग ऊपर चढ़ रहे थे। और तो मैं उस साइड से नहीं गया था, तो मैंने थोड़ा सा आगे गया, लोग वहाँ से जा रहे थे थोड़ा सा आगे ठीक था, तो मैं उनके साथ गया, तो मेरे कुछ साथी वो उसी चढ़ाई से चढ़े थे, तो जब मैं नीचे से पीछे से आ रहा था, तो जब मैंने वहाँ पे देखा ना कि चढ़ाई कैसे चढ़ रहे हैं लोग, लिटरली लोग ऊपर से स्लिप होके नीचे गिर रहे हैं। पर जल्दबाजी में, सबको जाने की जल्दी में, सब लोग ऊपर चढ़े जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस चढ़ाई थी यार वो वाली। अंकल ऊपर कितना है? घंटा लगेगा उधर, कितना लगेगा उधर चढ़ने में? कम ही लगता, बहुत लगता। मैं झूठी मारूंगा आपको, इससे मगर आसान है थोड़ा सा, पहले तो स्ट्रेट है ना बहुत है। ये जो आपको अभी पिक्चर में लड़की दिख रहे हैं, जो ये लड़की थी, ये लिटरली रो रहे थे क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड थी, ये बिल्कुल रो रहे थे लिटरली कि नहीं जाया जा रहा है। और अभी जैसे अंकल ने बताया आपको पीछे, ये एक घंटे की चढ़ाई अभी और थी ऊपर, तो बहुत ज़्यादा बहुत बुरी हालत थी यार लोगों को, मैं देख रहा था ना कैसे सिर्फ पानी के लिए भी लोग तरस रहे थे यार इस टाइम पे। और जो लोग फिजिकली फिट नहीं हो, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी बुरी हालत हो गई थी, मेरी टांगे जवाब दे गई थी, और वो कह रही थी सिर्फ बैठ जाओ, पर हमें जम्मू जल्दी जाना था, इसकी वजह से हम चलते रहे, नहीं तो मैं आराम से बैठ जाता, मेरे से नहीं चला जा रहा था बिल्कुल नहीं यार। और जब मैं 80 90 लिटरली जिनकी कमर भी टेढ़ी हो गई होती है ना, वो बुजुर्ग लोग भी यहाँ से चल रहे थे यार। श्रीनगर के लोगों को सल्यूट है यार, जो उनके ओल्ड एज वाले लोग हैं ना यार, क्या ज़बरदस्त लोग हैं यार। ये जो लास्ट के कदम चलने थे ना यार, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे यार, हद हो गई थी, इतनी टांगों में दर्द हो रही थी ना यार, कसम से उंगलियां तक अंगूठे होते ना, जो उसके टॉप का नाखून होता है, दब दब के इतना दर्द हो रहा था। और जब ये लास्ट में पता लगा ना, कि दिखने लग गया कि ऊपर आ गए हम टॉप पे, मैं आपको बता नहीं सकता, एनर्जी फिर से वापस आ गई पूरी। सुबह रोटी खाई थी, उसके बाद ना पानी ना कुछ खाने के लिए, पूरे दिन चल चल के यहाँ तक पहुँचे थे। और इसके बाद मेरी एनर्जी फिर से हाई हो गई थी, और मैं अब लिटरली थोड़ी देर के बाद भागूंगा यहाँ पे, आपको जैसे फाइनली रीच्ड एट द एंड। अभी टाइम हो रहा है 4:24, और हम कितने बजे निकलते हैं वहाँ से? ना ना वहाँ से जाते हम पैदल जाते हैं, निकले 12 निकले थे, 4 तक चढ़ाई कर रहे थे, वो दिस इज डैम क्रेजी, और आज तक का खतरनाक एडवेंचर। अभी इस वीडियो क्लिप में मैं भागूंगा, क्यों भाग रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगा कि यहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी और हम आराम से घर चले जाएंगे, तो इसकी वजह से मैंने सोचा जितनी एनर्जी बची है पूरी एग्जॉस्ट कर देता हूँ। पर आपको मौजू सुनाता हूँ,
हुआ ये कि इसके बाद यहाँ पे जितनी भी टैक्सी थी, जो लोग सुबह से चल के हमसे पहले पहुँचे हुए हैं, मतलब टैक्सी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गई थी और सिर्फ जो मेन स्टैंड रामबन में था वहाँ पे जाके टैक्सी थी। तो वो अभी हम लोग रामबन के लिए ट्रैवल करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो आस्ता आस्ता क्या हालत होने वाली है, पूरी लिटरली रात हो जाएगी। और ये रहे हमारे भाई, थोड़े से बीमार हो चुके हैं पर हाउ द जोश। बोलो भाई सर। हाय कैसे, हाउ द जोश भाई? देखो आवाज नहीं निकली। आप मैंने स्टार्टिंग में शायद बोल दिया था कि हज़ारों में लोग थे, पर मैं कह रहा हूँ आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इतने लोग पैदल चल रहे थे। तो अभी ये जहाँ पे मैं रुका हूँ, जहाँ पे आपको इतने सारे लोग दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चाय का स्टॉल था, तो पीछे कोई भी शॉप वगैरह मिली नहीं थी जब से हम चढ़ाई चढ़ रहे थे। तो पानी भी जो अभी मैं आपको दिखा रहा था वो मिला उस टाइम, पानी पिया। तो अभी सोच रहे थे कि चाय वगैरह पिए, फिर हमने सोचा कि लेट बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अंधेरा होने लग गया था, बस लाइट ख़त्म ही थी लगभग। और अभी शाम के, एक मिनट में टाइम देख लूँ, शाम के हुए हैं 5:45, अंधेरा हो गया हुआ है लगभग। और अभी भी हम लोग जम्मू नहीं पहुँचे हैं, सॉरी फॉर दी साउंड नॉइस, सॉरी नॉइस। अभी बंदा बेहोश हो गया हुआ है क्योंकि अब मुझे पता भी नहीं हम लोग कितना चल चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं रामबन, तो अभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो 5 जैसे मैंने वीडियो में बताया, उसके बाद लिटरली पूरी रात निकल गई, टैक्सी कोई नहीं मिल रही थी, लोग ट्रक से भी लिफ्ट मांग रहे थे, ट्रक में चढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लिफ्ट गाड़ियां, तो जहां पे हम स्टैंड पे गए रामबन वहां पे भी गाड़ियां नहीं थी। तो रात को रोटी खाई, उसके बाद 12 के करीब हमें एक टैक्सी मिली, तो हमने उनके साथ डील वगैरह की। तो वो लिटरली रात को चलाते नहीं थे, और मैं बहुत कॉन्शियस हूँ जब कोई ड्राइवर रात को गाड़ी चला रहा, मैं उसके साथ बैठा रहता हूँ, तो मैं पूरी रात उनके साथ उठा रहा। हम 1-2 जम्मू पहुँचे होंगे, तो 1-2 तक मैं पूरी रात उनके साथ उठा रहा, और उनको लिटरली नींद आ रही थी, तो उनको बातों में लगा के उठाता रहा। तो इसी वजह से हम लोग सही सलामत जम्मू पहुँच गए। और मैं कहता हूँ ज़िंदगी का बहुत ख़तरनाक एडवेंचर था ये जो इस बार हुआ ना, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। तो कभी भी जाओ फुल तैयारी से जाओ, और थोड़ी सी फिटनेस ज़रूर मेंटेन करो। तो अगर आपने यहाँ तक ये व्लॉग देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना। और अगर आप चैनल पे नए हो, जम्मू कश्मीर के व्लॉग्स मैं बनाता रहूँगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे जो भी अपडेट्स मेरे आते रहते हैं वो इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, तो काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे फैमिली के पार्ट बन जाइए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।